छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला बीजापुर भी कोरोना महामारी के प्रकोप में है। तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगे होने से महामारी का खतरा यहां अधिक है। प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में 26 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया है। जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के छूट के साथ साप्ताहिक बाजार के लिए 11 बजे तक की छूट दी गई थी। अब तक जिले में 64 कोरोना के मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें 37 केस एक्टिव हैं। में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। वहीं बीजापुर जिले की बात करें तो अब तक 64 मामले यहां पर कोरोना पॉजिटिव के आ चुके हैं और कई लोगों को क्वारंटाइन में अभी रखा गया है जो सस्पेक्टेड थे। आपको बता दूं, बीजापुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर रितेश कुमार ने 26 से 29 जुलाई तक नगर में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। उसके बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इक्का दुक्का जो वाहनें हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन जो है पुलिस यहाँ पर बराबर करवा रही है और लोग भी यहाँ पर लॉकडाउन का पालन करते हुए देखे जा रहे हैं। आप बता दो, बीजापुर में लगातार मामले जो हैं बढ़ रहे हैं, एक तरीके से आशंका ये जताई जा रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ ये जा रहा है। साथ ही जो सीमावर्ती भोपालपट्टनम ब्लॉक है वहाँ पे भी 4 कोरोना के पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आपको बता दूं, महाराष्ट्र और तेलंगाना जो है वो भोपालपट्टनम से लगा हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन ज़्यादा चुस्त है कि कहीं उस तरफ से जिले में कोरोना के सस्पेक्ट ना आए, ना उस तरफ से कोरोना बीजापुर जिले के अंदर प्रवेश करे। आज कुछ रियायत दी गई थी, क्योंकि संडे है, बीजापुर का मार्केट होता है, तो सुबह 11 बजे तक जो है वहाँ छूट दी गई थी। साथ ही जो जरूरी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए यहाँ पे छूट के साथ लॉकडाउन लगाई गई है। बीजापुर से पवन दुर्गम, स्वराज एक्सप्रेस।